हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों ने जिनबल समर कैंप की इन्फॉर्मेशन आप सबको मिली होगी। तो जिनबल समर कैंप एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा, कहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको बताने के लिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपके पास आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस समर कैंप के अंदर हम लोग 5 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये टेक्नोलॉजीज ऐसी है, अगर इनके बारे में आप लोग सीख लेते हैं, इनकी बेसिक नॉलेज आपको होती है, तो आपके कई सारे जो काम होते हैं वो इजी हो जाते हैं, कई सारे एप्लीकेशन इजी हो जाते हैं। तो उन टेक्नोलॉजीज में से फर्स्ट हम लोग सीखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग। तो देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग का हमारे डेली लाइफ में कैसे काम आता है। जैसे आपको किसी को बर्थडे विश करना हो, किसी को ग्रीटिंग्स देने हो, तो आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो इसके ऊपर। किसी भी इवेंट का इन्विटेशन आपको देना है तो इन्विटेशन कार्ड बना सकते हैं, इन्विटेशन वीडियोज बना सकते हैं, आप इमेजेस के कोलाज बना सकते हैं, या फिर इमेजेस के स्लाइडिंग स्लाइड वाले जो वीडियोस होते हैं वो वीडियो बना सकते हैं, या फिर आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं। आपका यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल के लिए आप थंबनेल बना सकते हैं, अपना लोगो बना सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको आती है, उसके टूल्स आपको आते हैं, तो आप इजीली वो काम कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे ऐप डेवलपमेंट। तो ऐप डेवलपमेंट क्या होता है, आप मोबाइल फोन में कई सारे जो हम अलग अलग एप्लीकेशंस देखते हैं, कोई भी काम करने के लिए हमें किसी न किसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें बोला जाता है मोबाइल ऐप या फिर मोबाइल एप्लीकेशन। तो वो ऐप कैसे बनते हैं, तो हम लोग कुछ बेसिक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे इस प्रोग्राम में। उसके बाद में हम लोग वेब डेवलपमेंट सीखेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट का मतलब है कि आपने इंटरनेट पे कई सारी वेबसाइट्स देखी होगी, हमें इंटरनेट पे कोई भी काम करना होता है तो हम एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं और अपना काम करते हैं। तो वो वेबसाइट कैसे बनती है, कैसे काम करती है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, उसके पीछे कई सारे इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से ये सारी वेबसाइट बनती है, कैसे इनको यूज़ करते हैं। तो हम लोग वेब डेवलपमेंट में भी वो पोर्शन सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग कुछ वेबसाइट्स बना सकते हैं। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे 3D डिज़ाइनिंग के बारे में। तो 3D डिज़ाइनिंग क्या है, 3D डिज़ाइनिंग का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को 3D में बनाना। जैसे कि मान लो, एक तो आपकी फ़ोटो है और एक आप खुद हैं, तो आपकी फ़ोटो आपकी 2D इमेज हुई और आप खुद क्या है, 3D इमेज, मतलब एक रियल जो ऑब्जेक्ट होता है उसको 3D बोला जाता है। तो आप कोई भी 3D ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो, जैसे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में पोस्टर बनाना सीख लिया, या फिर आपने उसके अंदर एक फ़ोटो बना लिया, एक स्केच बना लिया आपने, या कुछ भी बना लिया, तो वो एक 2D फाइल हो गई। लेकिन जैसे मान लो आपने एक एप्पल है, एप्पल को आप ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू आपने डिज़ाइन कर लिया, तो वो क्या है, एप्पल की एक फ़ोटो है, बट रियल में एप्पल के शेप का कोई ऑब्जेक्ट बनाना उसको 3D डिज़ाइन बोला जाता है। तो जैसे आपने कहीं कार वगैरह के ऐड में देखा होगा कि कार्स को बनाते तो उसका 3D मॉडल हमें दिखाई देता है, तो इस तरीके की 3D डिज़ाइन हम लोग बनाना सीखेंगे। उन डिज़ाइन बनाने के साथ में आपको कई सारी ऐसी मशीन्स के बारे में भी बताऊंगा कि आप उन 3D ऑब्जेक्ट को कैसे उस मशीन के थ्रू रियल में बना सकते हैं। जैसे आपने किसी बॉक्स, आप कोई एक बॉक्स आपने 3D में डिज़ाइन किया और उस मशीन के थ्रू आप कैसे वो बॉक्स रियल में बना सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग 3D डिज़ाइनिंग के बारे में भी इस कैंप में सीखेंगे। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे IoT एंड रोबोटिक्स के बारे में। तो IoT क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने होम ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, घर में जो लाइट्स है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं हमारे फ़ोन के थ्रू, या फिर हम लोग कई सारे ऐसे गैजेट्स बनाएंगे जो हमारे डेली लाइफ में काम आने वाले, जैसे कि ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन और ऐसे कई सारी चीज़ें हो गई। और कई सारे हम लोग रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे कि रोबो कार हो गई, रिमोट से चलने वाली, या फिर मोबाइल फोन से चलने वाली, सेंसर के थ्रू चलने वाली, हम डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स पे भी काम करेंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग इस कैंप में सीखने वाले। तो ये पांचों टेक्नोलॉजी हम लोग इस कैंप में सीखेंगे, इनके कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएंगे। अब एक वीक में 6 क्लासेस होगी, तो वीकली हम लोग आपको कुछ एक्टिविटीज़ देंगे, कुछ चैलेंजेस देंगे, तो वो चैलेंजेस आपको कंप्लीट करने हैं। और वो कंप्लीट जो करेगा, उसमें जो भी विनर्स होंगे, कई सारे क्राइटेरियाज होंगे, उन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग जो विनर्स होगा, उन विनर के लिए हम लोग कई सारे प्राइज अनाउंस करेंगे और उनको वो प्राइज मिलेंगे। और जो इन सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेगा उनको हम लोग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। तो वीकली चैलेंजेस आपको मिलेंगे, उनको पार्टिसिपेट करना है आपको, उसमें जो आपको पूरी वीक में सिखाया है उनको परफॉर्म करना है, और आपको उसके बदले में कई सारे गिफ्ट्स और सर्टिफिकेट मिलेंगे। उसके बाद में आपको इसका टाइमिंग वगैरह बता देता हूँ। तो ये जो जिनबल समर कैंप है, ये शुरू होने वाला है 9 मई से, 9 मई
सोमवार यानी मंडे से ये शुरू होने वाला है। तो मंडे टू सैटरडे ये चलेगा हर वीक, टोटल 12 वीक्स तक चलेगा। 72 क्लासेस अपनी होगी, तो मंडे टू सैटरडे चलेगा। इवनिंग में 5 बजे से क्लास शुरू होगी और वो अप्रोक्स 40 to 45 मिनट तक वो क्लास चलेगी। तो 40 to 45 मिनट की क्लास होगी इवनिंग में 5 बजे, मंडे टू सैटरडे। ओनली संडे ऑफ रहेगा, तो संडे को मान लो कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है तो आप लोग देख सकते हो, या फिर आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई समर कैंप की। अब समर कैंप शुरू होने से पहले आपको क्या क्या काम कर लेने हैं, तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद में यूट्यूब चैनल से ये क्लासेस सारी होने वाली है, यूट्यूब लाइव के थ्रू क्लासेस चलेगी। तो आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि, और नोटिफिकेशन का जो आइकन होता है, एक बेल आइकन होता है, उसको ऑन कर लेना है। तो जैसे ही हमारी लाइव क्लास शुरू होगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहले से आ जाएगा। उसके बाद में आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि हमारी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको टाइम टू टाइम उस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो ये तीन काम आपको सबसे पहले कर लेने हैं। और हमारे बारे में और जानकारी लेने के लिए, या फिर जिंदल के बारे में और जानकारी लेने के लिए, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं info@zinbal.com पे। तो इस वीडियो में इतना ही, तो हमें इंतजार रहेगा आपका समर कैंप की फर्स्ट क्लास में। तो मंडे को 9 मई को फर्स्ट क्लास होगी इवनिंग में 5 बजे। तो मिलते हैं समर कैंप में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।